जो ओम्स लॉ का जो डेरिवेशन हम करते हैं, सॉरी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें वी इज इक्वल टू आई आर आ जाता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। ये ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, इसको फिजिकली फिजिक्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है। ये चूंकि एक्सपेरिमेंट कर लेना है, फिजिक्स नहीं है, ठीक है। फिजिक्स से उसको एक्सप्लेन करना कि इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्यों हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करना फिजिक्स से। तो फिजिक्स बेसिकली कुछ मैथमेटिकल रूल्स और कुछ जो फिजिक्स के रूल्स हैं, ठीक है, लॉज हैं, जो लॉज हम जानते हैं पहले से, उन लॉज को यूज करते हुए कोई एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट है उसको हम वेरीफाई कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो जो वी इक्वल्स आई आर जो होता है, ओम्स लॉ, इसको कैसे हम डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम नॉन फिजिकल लॉज। तो इसके लिए देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में, ठीक है, कि एक गैस का मॉलिक्यूल लेते हैं, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो हम निकालते हैं अदर पार्टिकल की वजह से। वो जब कंटेनर की दीवार से टकराता है, रिटर्न होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। और एक पार्टिकल पर ऐसा करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको सम करते हैं, स्टैटिस्टिकल सम करते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स से, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। और जब ऐसा करते हैं तो आपको मिलता है क्या, आपको गैस लॉ मिलता है, ठीक है, जो आइडियल गैस लॉ है या जो भी गैस लॉ है वो हमें मिल जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे वो काम एक इलेक्ट्रॉन पे करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो फोर्स उस पे लगाएंगे। और उसके बाद उसी तरीके से हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पे लगाने के बाद हम क्या करेंगे, उसका एक एवरेज निकालेंगे, स्टैटिस्टिकल एवरेज निकालेंगे। और उस एवरेज के बेसिस पर हम ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि स्टैटिस्टिक्स हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं, और फिजिक्स का वो ब्रांच जो स्टैटिस्टिक्स से डील करता है उसको हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहलाता है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है क्या एक्चुअली, ये अभी यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है कि हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स लगा रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाया गया था वो भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ही आता है। लेकिन हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, चूंकि उस स्टैटिस्टिकल हम तब करते हैं जब एक सर्टेन एडवांस टेक्निक हम यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक नॉर्मल एवरेज की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। 10th क्लास में हम लोग एवरेज निकालते हैं, स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं, तो इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई एक वायर है, ठीक है, एक वायर में करेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये एक वायर है जिसमें करेंट फ्लो हो रहा है। तो करेंट फ्लो हो रहा है तो इस वायर को हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे, इस वायर का एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर करेंगे यहाँ से यहाँ के बीच में, ठीक है, और इसको हम लोग बड़ा करके देखते हैं। तो ये वायर कैसा है, सिलेंड्रिकल दिखाई देता है। और करेंट जो है इसमें इधर से इधर की तरफ है, ये करेंट है, लेफ्ट से राइट की तरफ करेंट जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है, चूंकि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1905 में हुई थी, जे.जे. थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से पता चला था, तो उससे पहले लोग ये मानते थे कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता होगा, लेकिन बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली फ्लो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो सिंपल पिक्चर आपके दिमाग में ये आता है कि इलेक्ट्रॉन जो वो सीधे पीछे जा रहा होगा, ठीक है। 10th क्लास में आपको यही बताया जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वायर में पीछे की तरफ जाता है इलेक्ट्रॉन, और करेंट जो होता है वो ऐसे होता है। तो ये बहुत सिंपल सा लीनियर स्ट्रक्चर बता दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली में बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी अंदर में हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.1 × 10⁻³¹ kg है, ठीक है, इसका डायमेंशन तो बहुत ही छोटा है। आपको मालूम होगा कि न्यूक्लियस का डायमेंशन 10⁻¹⁵ में होता है, तो इलेक्ट्रॉन का तो कोई डायमेंशन आप मान के ही मत चलो कि कोई इसका डायमेंशन है। एक पार्टिकल कंप्लीटली एक आइडियल वे में एक पार्टिकल है, ठीक है। अगर आप न्यूक्लियस को पार्टिकल कहते हो तो पार्टिकल नहीं है, अल्फा पार्टिकल भी पार्टिकल एक्चुअली नहीं है, क्योंकि उसका क्या है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर में
प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कोई जो इंटरनल स्ट्रक्चर अभी तक किसी ने बताया नहीं कि इलेक्ट्रॉन का क्या इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। तो इट हैज अभी तक हमें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कोई मालूम नहीं है, कोई बात पता नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें इनॉर्मस नंबर में, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फर्मी जो थे उनके हिसाब से या सबके हिसाब से, पहली बार उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि जो मेटल है एक्चुअली वो क्या है, वो एक ओशन ऑफ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जब हम इसमें कोई करंट नहीं दे रहे हैं, फिलहाल इसमें हमने कोई करंट नहीं दिया है, आई इज जीरो, तो ये इलेक्ट्रॉन रुके हुए नहीं रहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम के चारों, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, बिकॉज बहुत सारे जो न्यूक्लियस हैं सेम एनर्जी के लेवल्स पे होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम को छोड़ के दूसरे एटम पे चला जाता है, यानी कि कोई किसी पर्टिकुलर एटम पे वो बाउंडेड या फिक्स नहीं रहता, तो उसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली इधर उधर मूव करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर लें, तो ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसे किसी भी तरह के पाथ में फॉलो कर सकता है, ये यहाँ से सीधे ऐसे भी जा सकता है, ठीक है, बहुत लंबे लंबे पाथ भी कवर कर सकता है विदाउट एनी कोलिजन, ठीक है, बिना कोलाइड करे इलेक्ट्रॉन एक लंबी दूरी भी तय कर सकता है, ठीक है। ये एक इत्तेफाक पे डिपेंड करता है कि वो किस पाथ से ट्रेवल कर रहा था। हो सकता है कि वो माइक्रोमीटर से लेकर के सेंटीमीटर तक वो बिना टकराए मूव करता चला जाए, ठीक है। ये तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कितना मैक्सिमम ये बिना कोलाइड किए आगे मूव कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर मूव करता रहता है, और ऐसा कोई एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप एक यहाँ पर बाउंड्री कंसिडर कर लो, तो इस बाउंड्री से इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इस बाउंड्री को क्रॉस करके उधर, आप किसी भी एंगल पर क्रॉस कर सकता है, ऐसे क्रॉस कर सकता है या ऐसे जा सकता है परपेंडिकुलर, उससे मतलब नहीं। इस बाउंड्री के राइट हैंड साइड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर एन है, तो लेफ्ट में जाने वाले की संख्या भी क्या होगी, कोई जरूरी नहीं कि बराबर हो, लेकिन वो अगर ये एन वन ये एन टू है, तो एन वन एंड एन टू विल बी इक्वल, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन अगर कुछ वेरिएशन होगा तो वो वेरिएशन भी थोड़े समय के, तुरंत सेकंड के फ्रैक्शन में वो वेरिएशन जस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तो रैंडम मोशन हो रहा है। तो देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज के फ्लो होने के बावजूद भी नेट फ्लो क्या है, जीरो, नेट फ्लो इज जीरो, कोई फ्लो नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव अटैच कर देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। जब आप इसमें करंट, व्हेन करंट इज नॉट जीरो, तो उस केस में क्या होता है कि इस पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव वाला जो फेस है, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाता है, सेट हो जाता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाले फेस से लेकर के नेगेटिव वाले फेस की तरफ होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। तो लेफ्ट से राइट हैंड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, एक हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, व्हेन करंट इज जीरो, व्हेन करंट इज जीरो, इस केस में एक इक्वेशन लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से चलता है, ठीक है, या ऐसा कर दें कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे, किसी एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो है यू, ठीक है। ओवरऑल आप ये मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से मूव करता है दूसरे कॉलिजन से पहले, यहाँ से यहाँ के बीच में स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंट रहता हो, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स विच इज एक्टिंग, ठीक है, और सारे एटम्स की वजह से जो टोटल फोर्स है वो हम मान रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में है, तो सब कुछ जीरो है। तो सबका जो सम होगा, सम ऑफ ऑल दी वेलोसिटीज क्या होगा, देर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि यू वाई का जो सम होगा फ्रॉम आई इक्वल टू वन से लेकर के एन तक, ये क्या होगा, ये होगा जीरो। तो सम ऑफ द वेलोसिटीज, अच्छा ये जीरो होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा इसको रन देते हैं, आप चाहें तो एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एवरेज एवरेज वेलोसिटी,
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यू बार लिख सकते हैं, या फिर ऐसे यू करके लिख सकते हैं, जैसे लिखना चाहें, या एवरेज यू। तो जो यू बार आएगा वो आ जाएगा 1/n इंटू सिग्मा सम ऑफ ऑल द टर्म डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे एवरेज ऑफ एज निकालते हैं तो क्या होता है, सबके एज को ऐड कर दो, क्लास में जो मार्क्स अगर है किसी के तो सारे सबके मार्क्स को ऐड कर दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करते हैं। उसी तरीके से सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पीड है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, इसका यू वन स्पीड होगा, इसका इस वाले का इलेक्ट्रॉन का यू टू स्पीड होगा, ऐसा सबका स्पीड है, ठीक है, सबके स्पीड को हम लोग ऐड करते हैं, वेलोसिटी को वेक्टर सम कर देते हैं, ठीक है, सबका वेक्टर सम किया जाएगा और उन सबको आप चाहो तो यहाँ पर कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, वेक्टर समेशन कर देंगे। तो देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज, इसका मतलब ये है कि टोटल जो वेलोसिटी है सम एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये टर्म क्या आ गया, जीरो है, ठीक है, जब कोई करंट नहीं दिया गया है उस केस में। अब हम लोगों ने क्या किया, करंट दे दिया, तो अब इसमें क्या होगा वो देखते हैं। तो करंट देने के बाद थोड़ा डायग्राम को क्लियर कर लें। जब करंट फ्लो होगा तो इसके दोनों एंड्स पर पॉजिटिव जो एंड है और नेगेटिव, यहां से यहां की तरफ जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ जाएगा, ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब जो इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से टकरा जा रहा है, ऐसे जाएगा, टकरा करके इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, ठीक है, किसी भी पाथ में ट्रेवल कर रहा है। तो इस पॉइंट से अगले जब एटम से टकराएगा न्यूक्लियस से या फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए, ऐसा संभावना बहुत कम है वैसे तो, लेकिन जो कॉलिजन हो रहा है एटम्स के साथ, ये स्कैटर जो कर रहा है अंदर में, तो जब ये यहां से चलता है एक इलेक्ट्रॉन और अपने अगले कॉलिजन तक, ठीक है, यहां से लेकर के ए से लेकर के बी तक जाने में, ठीक है, ये जो पाथ का लेंथ है, ये पाथ का लेंथ भी फिक्स नहीं है। वैसे तो मेटल्स के अंदर में जो दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ पर उससे कोई लेना देना नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन कितना बड़ा पाथ भी, यहाँ पर छोटा पाथ बना सकते हैं, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पर और बड़ा, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे छोटा, तो ये पाथ लेंथ जो है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ जाने का जो समय है वो अलग अलग हो सकता है। अगर यहाँ से यहाँ जाने में T1 समय लगता है तो फिर यहाँ से आने में T2 लगेगा, यहाँ से यहाँ जाने में T3 लगेगा, यानी कि हर कॉलिजन के दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या चीज है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में जो जो समय लगता है उसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो ये याद होगा कि जब आपने 11th क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें मीन फ्री पाथ हुआ करता था, ठीक है, उसमें भी रिलैक्सेशन टाइम होता था कि गैस के जो एटम्स हैं रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं, वो दूसरे एटम से टकरा सकते हैं, जब टकराते हैं उनके बीच में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और जो जितने देर के लिए वो फ्रीली मूव करते हैं बिना टकराए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ कहते हैं, मीन फ्री पाथ नहीं कहते हैं। मीन फ्री पाथ मतलब सबका अलग अलग है, उनका एवरेज करेंगे तो मीन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब आपको मालूम है कि यहाँ पर एट एवरी पॉइंट अगर आप इसके पाथ को देखो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें किधर किधर एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस पर फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से वहाँ जा रहा है, ऐसे मान लेते हैं जा रहा है, तो
तो जब यहाँ पर है तो फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, जब ये यहाँ पहुँच गया है इलेक्ट्रॉन तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, जब यहाँ पहुँचेगा तो भी फोर्स इधर, फोर्स का डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, बिकॉज इट इज डिटरमिंड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, एफ इक्वल टू क्यू ई लगा दिया गया। तो ये इतना फोर्स जो है वो, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो फोर्स भी चेंज, अगर आपने उसको चेंज कर दिया तो फिर एक वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी चेंज करना शुरू करेंगे तो वो प्रॉब्लम अलग है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में देख रहे हैं, यहाँ पे पहुँचता है तो फोर्स इधर, यहाँ पर जब होगा इलेक्ट्रॉन ऐसे चला जा रहा है, ठीक है, तो इधर भी फोर्स ऐसे, तो हर जगह उसके हर पाथ के हर पॉइंट पर फोर्स जो है वो उसमें पीछे की तरफ लगना शुरू हो जाता है, यानी कि अब वो जिस पाथ में चला करता था यूजुअली उस पर नहीं चलेगा, उस पर फोर्स लग रहा है, तो उस केस में जो है फोर्स हम निकाल सकते हैं, ये हो गया ई इंटू ई। तो यानी कि फोर्स क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है एम, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग गया तो वो एक्सेलरेट हो गया, ठीक है, उसका स्पीड चेंज हो सकता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, तो इस फोर्स को रिप्लेस कर रहे हैं मास इंटू एक्सेलरेशन से, ये आ गया माइनस ई इंटू ई पे। तो इसका मतलब ये कि जो एक्सेलरेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का वो हो जाएगा माइनस ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, यानी कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होंगे। जैसे कि अगर अर्थ के आसपास कोई भी बॉल गिरा उसका एक्सेलरेशन 9 पॉइंट होगा, ठीक है, आप कोई भी बॉल से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। उसी तरीके से इस वायर के अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका जो एक्सेलरेशन है वो इस फार्मूले से दिया जा रहा है, जिसमें कि तीनों वैल्यूज क्या, ई कॉन्स्टेंट है, एम कॉन्स्टेंट है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कॉन्स्टेंट है। सो हर पार्टिकल पे सेम फोर्स रहेगा और सब सारे के सारे एक डायरेक्शन में एक्सेलरेट होंगे, ठीक है। अब यानी कि एक्सेलरेट हो रहा है तो यहां से अगर वो चला है, ठीक है, इस पॉइंट से अगर वो यू स्पीड से चला था, ये हमारा आईथ नंबर का, जैसे इलेक्ट्रॉन नंबर ये कौन सा है, ई, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है सबका नंबर है, इलेक्ट्रॉन का नंबर वन नंबर टू, तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या लेके चलेंगे हम लोग, यू वन लेके चलेंगे। उसी तरीके से अगर ये आईथ पार्टिकल है, ठीक है, आईथ इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यू आई होगी। तो ये यहाँ से यू आई से मान लेते हैं चला, पिछले कॉलिजन में क्या था नहीं हमें मालूम, लेकिन इस कॉलिजन के बाद ये यू आई से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और अब ये यू आई से ही नहीं चलेगा, चूंकि इसे फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने की वजह से ये एक्सेलरेट हो रहा है, तो अपने इस पूरी जर्नी में, और एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो अपनी इस पूरी जर्नी के दौरान वो एक्सेलरेट होगा तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा, तो वो वेलोसिटी हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो वेलोसिटी क्या होगा, तो उस वेलोसिटी को हम लोग अभी v कह देते हैं, वी आई, ठीक है। यू आई स्पीड से चला, मैं थोड़ा साफ डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और आगे जा रहा है, ये अंदर में ही दिखा सकते हैं कि यहाँ से यू आई चला, यहाँ पर जब पहुँचने वाला होगा अगले कॉलिजन से जस्ट पहले तक, इसकी वेलोसिटी कितनी जाती है, वी आई हो जाती है। यहाँ से चला यू आई से, वहाँ पहुँचेगा वी आई से, बिकॉज देयर इज सम एक्सेलरेशन। अब इसके बाद फिर अगले कोलिजन के लिए ये वाला जो वी आई है वो इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगा, क्योंकि कोलाइड करने के बाद जो होगा वो कुछ सिचुएशन बदल जाएगा, ठीक है। कोलाइड करने के बाद वेलोसिटी फिर से बदल जाएगी, अब उस वेलोसिटी को लेकर के जो यहाँ पर होगी उसको हम इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे, फिर ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन हम वो कैलकुलेशन अभी नहीं कर रहे हैं। यहाँ से यू आई से चला और वहाँ टकराने से पहले कितना वेलोसिटी हो रहा है, तो उसको लिख सकते हैं यू आई इज इक्वल टू, वी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी, यानी कि यू आई प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम टी। तो यहां से वहां जाने में आईथ पार्टिकल को जो समय लगता है उसको हम लोग टी आई कहेंगे, क्योंकि
ये वाला पाथ लेंथ अलग है, ये बड़ा है पाथ लेंथ, यहाँ से यहाँ ज्यादा डिस्टेंस है, तो उसमें जो समय है वो हर बार अलग अलग लगेगा। तो इसको हम लोग ए इंटू टी आई लिख देते हैं। तो ये आ गया यू आई प्लस, ठीक है, एक्सीलरेशन कितना है उसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हो गई माइनस ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी आई, ये हो गया वी आई। अब आपको ये पता है कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, यानी कि सबके सब क्या हो रहे हैं, एक्सलेट हो रहे हैं। तो सब में एक्सलेशन हो रहा है, तो हम किसी एक का निकाल करके पूरा तो कैलकुलेशन कर नहीं सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एवरेज लेना पड़ेगा। हम एक एवरेज ले करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, जब रैंडमली बहुत सारे पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी का जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो हम निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा सिग्मा करेंगे, सिग्मा वी आई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मान लेते हैं कि इसमें इस पूरे में एन नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको एन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ इसका भी क्या होगा, राइट हैंड साइड भी सिग्मा के अंदर चला जाएगा। सिग्मा ये पूरा टर्म यू आई प्लस माइनस ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी आई डिवाइडेड बाई एन। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको पता है कि ये फाइनल वेलोसिटी का जो एवरेज है इसको हम लोग सिंपली वी कह देते हैं। ठीक है, इसको चाहे तो वी ऐसे एवरेज करके भी लिख सकते हैं, चलो वी कह ले या वी एवरेज कह ले। इज इक्वल टू पहला वाला टर्म लिख लेते हैं, वन बाई एन इंटू सिग्मा यू वाई, ठीक है, माइनस वन बाई एन इंटू सिग्मा, और यहां पर लिखना जरूरी है कि आई इक्वल टू वन से लेकर के एन तक, आई इक्वल टू वन से लेकर के एन तक, देयर आर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यहां पर भी लिख लेना चाहिए था आई इक्वल टू वन से लेकर के एन तक। सो वन बाई एन और ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी आई, ये वेक्टर नहीं है, ये एवरेज है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है तो हमने पहले ही निकाल रखा है। ये टर्म क्या था, ये पार्टिकल्स की वेलोसिटी, अगर कोई करंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया गया है, यानी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उस केस में पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करते हैं, लेकिन उनका जो नेट वेलोसिटी होता है वेक्टर सम वो जीरो आता है एवरेज। ठीक है, तो इसको हम लोग जीरो लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने पहले ही निकाल रखा था। माइनस इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो सब बाहर ले जा सकते हैं। ठीक है, यह आ जाएगा ई इंटू ई, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, बाई एम भी है जो कांस्टेंट है, और ये वन बाई एन इंटू सिग्मा टी आई, आई इक्वल टू वन से एन हर जगह लगा लेना है। ठीक है, ये आ गया वी एवरेज वेलोसिटी, हर इलेक्ट्रॉन एक्सलेट हो रहा है, सबकी अलग अलग वेलोसिटी है, सबका अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, सब अलग अलग पाथ लेंथ में मूव करते हैं, लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो एवरेज जो वेलोसिटी बन रही है वो ये आ रही है। ठीक है, अब इस टर्म को, ये सब तो कांस्टेंट है, ये वाला जो टर्म है इसको ध्यान से देखते हैं, ये क्या चीज है। ये कहता है क्या कि यहां से यहां जाने में T1 मान लेते हैं टाइम लगता है। देखो ऐसे बहुत सारे पाथ हैं अजीब अजीब से। ठीक है, इसमें T1 टाइम लगा, इसमें T2 लगा, इसमें T3 लगा, इसमें T4 लगा, इसमें T5 लगा, सब में हर एक कॉलिजन के बीच में, दो कॉलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग समय लेता है, कभी ज्यादा लेता है तो कभी कम लेता है। ये उन सारे कॉलिजन का टाइम का एवरेज लिया गया है कि एन नंबर ऑफ पार्टिकल एट दिस मोमेंट। ठीक है, हर पार्टिकल इसके बाद जाके टकराएगा,
उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल के पीस में मौजूद हैं, ठीक है, वो इस मोमेंट के बाद कहीं ना कहीं जाकर टकराएंगे, ठीक है। तो इस कॉलिजन में सबको अलग अलग समय लगने वाला है, उन सबका जो टाइम लगेगा उसका एवरेज हम लेंगे तो वो ये होगा, सम ऑफ ऑल द टाइम टेकन बाय एवरी कॉलिजन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये एवरेज होगा। और ये एवरेज जो होगा वो बाय एक्सपीरियंस हम ये देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को भी अगर आप कंसीडर करते हो तो वहाँ से भी हम जान सकते हैं कि ये जो टाइम एवरेज होगा, एवरेज क्वांटिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ का एवरेज तो कांस्टेंट आता है, ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। तो सब कुछ जब कांस्टेंट है तो ये एवरेज भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस टर्म को हम रिप्लेस करेंगे और उसको हम लिखेंगे या क्या, माइनस ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम, इसको हम लोग टाउ से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। एंड ये टाउ है क्या, टी आई, तो मैंने आपको बता दिया था कि टी आई इज द रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम था, और ये टाउ जो है वो है एवरेज रिलैक्सेशन या मीन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है ये। तो हम लोगों ने क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया है। एवरेज वेलोसिटी निकला है क्योंकि देखो यहाँ पे वेक्टर लगा सकते हैं बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये वेक्टर साइन छोड़ सकते हो क्योंकि अभी हम लोग उतना वेक्टोरियल सम में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया है, माइनस माइनस ई इंटू ई, बुक में मैं देख रहा हूँ कि नोटेशन तो कहीं कुछ और नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया, अब इस एवरेज वेलोसिटी का क्या करना है वो देखते हैं। तो इस वेलोसिटी को कैसे यूज़ करेंगे, इससे क्या करेंट, ओम्स लॉ को हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो ओम्स लॉ कैसे आएगा, ओम्स लॉ में क्या क्या होता है, वोल्टेज होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है और करेंट होता है, ठीक है, ये आपको पता है एक्सपेरिमेंटल वाला ओम्स लॉ है। और एक हमने निकाला था, इससे डिराइव किया था, वो क्या था, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ठीक है, इससे ये आ जाता है। आप चाहें तो इससे ये डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, ये मैंने करवाया भी था आपको, इससे मैंने ये वाला करके दिखा दिया था, ठीक है। तो जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, इसमें ई रहेगा, यहाँ पे भी ई मिल रहा है आपको, तो हम ई को कुछ नहीं करेंगे, बाकी जो टर्म्स हैं जे और सिग्मा कहीं ना कहीं से उसको रिट्रीव करना है, ठीक है। तो जब देखते हैं कि वो कैसे होगा, ठीक है, तो बाकी सब हमारे अब किसी काम का नहीं है, हम लोग इस इक्वेशन पे फोकस रखते हैं। तो अभी तक आपने क्या किया है, अभी तक सिंपली हमने न्यूटोनियन काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स लगाया, न्यूटन का जो फोर्स लॉ होता है एफ इक्वल टू एम ए लगाया है, और उसके अलावा हमने क्या यूज किया है, काइनेमेटिक्स v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और फिर हम लोगों ने एवरेज कर दिया है फॉर ऑल द पार्ट, फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, इतना ही किया गया। अब इसके बाद हम जो कर रहे हैं ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है कि ये जो वायर है जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव है और ये इधर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि इधर होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा, इधर की तरफ करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। वैसे करंट का डायरेक्शन होता नहीं है, मतलब लेफ्ट टू राइट बोलना चाहिए, करंट इज नॉट ए वेक्टर, लेकिन बस आप जान लो कि लेफ्ट से राइट की तरफ जैसे वायर होता है उसके हिसाब से करंट चलता है। सो करंट लेफ्ट टू राइट हम ले रहे हैं। अब इसके अंदर में बहुत सारे चार्ज कैरियर हैं जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको मालूम है कि
अलग अलग मेटल्स है, अलग अलग मटेरियल जो होता है उनकी कंडक्टिविटी अलग अलग होती है, कोई ज्यादा कंडक्टिंग होता है, कोई कम कंडक्टिंग होता है। इसका क्या कारण हो सकता है? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि उसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, अवेलेबल है। ठीक है, आपको मालूम है कॉपर ज्यादा कंडक्टिंग होता है कंपेयर टू कार्बन। ठीक है, कॉपर से कम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कम आयरन। ठीक है, तो सबकी कंडक्टिविटी अलग अलग है। इसके पीछे हम अभी मान लेते हैं कि ये कारण होगा कि इसमें यूनिट वॉल्यूम में, यहाँ पर अगर आप एक यूनिट वॉल्यूम कंसीडर कर लो, ठीक है, तो इस यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, यानी कि जो चार्ज कैरियर्स हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कितने ज़्यादा प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसको हम एन कहते हैं। एन क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, जो कि यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ठीक है, अलग अलग मटेरियल में यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स जो अवेलेबिलिटी होती है वो किसी में कम हो सकती है या किसी में ज़्यादा हो सकती है, तो उसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया माइ, हम इसको कम्प्लीटली सिलेंड्रिकल मान रहे हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। ऐसा ना है कि हम लोग इसका जो क्रॉस सेक्शन है उस एरिया को चेंज कर दें, या फिर ये मटीरियल ही भी चेंज हो रहा है, यहाँ पर कुछ अलग मटेरियल है, यहाँ पर कुछ आयरन मिक्स था इसमें, यहाँ पर कुछ जिंक मिक्स है, ऐसा नहीं है। एक आइसोट्रॉपिक मीडियम है। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है एक जैसा हर जगह। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हम ए ले रहे हैं। ठीक है, दोनों साइड क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया, और इसका जो लेंथ है ये हम एल ले लेते हैं। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा, वो हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। सो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है इंटू लेंथ कितना है, एल है। ए इंटू एल सिंपली वॉल्यूम हो जाएगा। सो नंबर ऑफ पार्टिकल जो हम एन निकाल रहे थे वो क्या होगा, चार्ज डेंसिटी। एन इज क्या, एन इज है चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटीरियल। तो एन इंटू वॉल्यूम, यानी कि ये कितना हो जाएगा, एन इंटू ए इंटू लेंथ। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स अवेलेबल इनसाइड दिस सिलेंड्रिकल मेटल पीस। ठीक है, अब इसमें से जो चार्ज कैरियर्स हैं वो लेफ्ट मूव करें या राइट मूव करें, इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव मानते हैं तो राइट की तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव है तो वो लेफ्ट की तरफ जाता है। ठीक है, इस तरीके से टकरा टकरा के इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने को हम करते हैं ड्रिफ्ट, जो कि मैंने आपको पहले ही एक वर्ड है जो ड्रिफ्ट यूज किया जाता है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में करंट के डायरेक्शन में नहीं होते हैं, ठीक है, करंट के साथ नहीं चलते हैं, वो रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं, और इसका नेट रिजल्ट क्या होता है कि देयर इज ए नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन्स को कुछ सेंटीमीटर की दूरी तय करने में भी बहुत समय लग जाता है। ठीक है, एक सरप्राइजिंग बात है, मुझे एग्जैक्ट डेटा तो नहीं याद, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सन से लाइट को अर्थ तक आने में करीब 8 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, सन से लाइट मतलब फोटोन कहते हैं लाइट पार्टिकल्स को, अर्थ तक आने में 8 मिनट्स लगते हैं, लेकिन सन के सेंटर में जहां पर वो फ्यूजन वगैरह होता है, ठीक है, उससे यहां तक आने में, उसके आउटर रेडियस तक पहुंचने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, इस डिस्टेंस को तय करने में, बिकॉज अंदर में क्या होता है, वो बहुत बार टकराता है वो फोटोन, और बहुत अजीब अजीब से पाथ में होता हुआ तब सरफेस पे पहुंचता है, यानी कि जो धूप, यानी कि फोटोन, जो लाइट आप तक पहुंच रही है, ठीक है, डेली, वो सदियों पुरानी है। सदियां क्या मतलब, वो हम लोगों के टाइम पीरियड में उसको नापा भी नहीं जा सकता, ये सब टाइम एस्ट्रोनॉमिकल टाइम में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वो ईयर्स कहना बेकार होगा, उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जा रहा है, वो इतनी पुराना है वो लाइट है जो आप तक पहुंच रहा है। तो यहां पे भी वही बात है, इलेक्ट्रॉन्स को यहां से
ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कुछ सेंटीमीटर की दूरी तय करने में, मतलब यूं कहें कि अगर आपके पास एक बैटरी है, ठीक है, और एक 2 मीटर लंबा तार है, एक बैटरी और एक 2 मीटर लंबा तार है, ठीक है, जैसे आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए जो चार्जर एडाप्टर लगाते हो और फिर मोबाइल में आप उसको प्लग को लगा देते हो, तो एडाप्टर से मोबाइल तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में कम से कम 10 मिनट तो लग जाते हैं, ठीक है। एडाप्टर से मोबाइल का जो चार्जर का जो प्लग लगा होता है, यानी कि एडाप्टर से मोबाइल तक पहुंचने में जो इलेक्ट्रॉन्स को समय लगता है वो 10 मिनट लग, उतना देर तो हम चार्ज भी नहीं करते कई बार, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहुंच भी नहीं पाता, ठीक है। जो पहले लैंडलाइन फोन में हम लोग बात करते थे तो हम कहीं भी बात कर सकते थे, ठीक है, दिल्ली कलकत्ता कहीं भी आप कॉल कर सकते थे, और वो कोई वायरलेस कनेक्शन नहीं था, वायर के थ्रू करेंट के थ्रू हम लोग वो बातचीत कर पाते थे। तो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से कलकत्ता चला जाता होगा? ऐसा नहीं होता है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी भी वायर में, इलेक्ट्रॉन अगर 1 मीटर का तार है वो हम निकालेंगे कितना समय लगता है, ठीक है, वो हम निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ जाने में इलेक्ट्रॉन को अगर 5 मिनट लगता है तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है, जबकि करंट इमिडिएटली यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है, जैसे स्विच ऑन किया वहां पे बल्ब जल जाता है, वो 5 मिनट के या 10 मिनट के बाद नहीं जलता है, ऑन किया और तुरंत चलना शुरू हो गया, फैन ऑन किया पंखा चलना शुरू हो गया, स्विच ऑन होते ही सर्किट ऑन हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से लगता है कि वो ऑन होता है, ठीक है, बहुत मतलब इंस्टेंटेनियसली वो ऑन हो जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज करते हैं कि आपके पास ये एक नल है, ठीक है, ये एक टैप है, ठीक है, और इस टैप को यूज करके आप गार्डन में पानी पौधों को देते हो, तो इसके लिए हम लोगों ने पाइप कनेक्ट कर दिया है इस टैप में, और ये पाइप बहुत लंबा है, 100 मीटर लंबा पाइप है, 100 मीटर पाइप बिल्कुल खाली है, हवा भरी है इसमें, नल को खोल दिया तो पहले क्या होगा, यहां से खोलते ही क्या पानी वहां पर से निकलने लग जाएगा? नहीं निकलेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पानी इसके पाइप के अंदर में चलते हुए वहां तक पहुंचेगा और इसमें कुछ समय लग जाएगा, और उस समय के बाद यहां से फिर पानी बाहर निकलने लग जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, जब आप इसको बंद कर दोगे तो पानी बहना बंद हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर पानी भरा रहेगा, पाइप इज फिल्ड विथ वाटर। अब दूसरी बार जब आप टैप खोलोगे तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, खोलते ही क्या होगा, यहां से कुछ पानी इंटर करेगा और वहां से तुरंत पानी निकल जाएगा, ठीक है, जो अगर यहां से गंदा पानी इंटर करता है तो तुरंत गंदा पानी नहीं निकलेगा, उस गंदा पानी को वहां पहुंचने में समय लगेगा, उसके बदले कोई दूसरा पानी बाहर आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन हर जगह फील्ड है, ठीक है, एक वायर है और उसके अंदर में हर जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इधर से एक इलेक्ट्रॉन डालते हो तो उधर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, दिस फिनोमिनन इज इंस्टेंटेनियस, लेकिन एक्चुअली इस इलेक्ट्रॉन को वहां तक पहुंचने में, ड्रिफ्ट होकर के टकरा करके इधर उधर जाने में बहुत समय लगता है, ठीक है, 10 मीटर का वायर होगा तो कम से कम आधा घंटा लग जाना चाहिए, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया? हाँ, तो अब हम आगे कैलकुलेशन को कैरी ऑन करते हैं। तो इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है, नंबर ऑफ हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल्स निकाल लिया है, तो कितना चार्ज यहाँ से जाएगा आपने निकाल रखा है, दिस इज द एवरेज स्पीड विथ विच इलेक्ट्रॉन मूव्स, ये क्या है, एवरेज स्पीड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड एवरेज स्पीड विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये चीज जीरो होता है, लेकिन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसकी वैल्यू इतनी होती है, एवरेज स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और दिस स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो है उसका स्पीड बढ़ने नहीं लग जाएगा, बिकॉज यहाँ पे टाइम नहीं है, ये टाउ इज ए कॉन्स्टेंट, ये तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, दिस इज ए कॉन्स्टेंट, मास इज ए कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट, सो अगर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ठीक है, तो यानी आपने फोर्स लगाया है, तो फोर्स लगाने से पार्टिकल्स को तो एक्सलेट हो जाना चाहिए,
यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शुरू में स्लो चलेंगे, बाद में फास्ट हो जाने चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम करंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर उनमें एक स्पीड आ जाता है, एक नेट फ्लो जरूर आ जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो है नहीं बढ़ता, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये टाइम नहीं है, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, विच इज ए कॉन्स्टेंट, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द मटीरियल, ठीक है ना, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है टाउ, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि स्पीड आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो, लेकिन वो स्पीड जो है वो चेंज नहीं होगा, कॉन्स्टेंट स्पीड से ही मूव करेगा, ठीक है। हाँ, इंडिविजुअल लेवल पर हर इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट होगा, लेकिन एवरेज लेवल पर देखेंगे तो कॉलिजन करा करा करके फिर उसका स्पीड जो है वो ख़त्म हो जाता है। वो इतनी बार कोलाइड करता है कि सारा का सारा जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में भी तो लिबरेट होता है, h = i²rt, और स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये वो कॉन्स्टेंट स्पीड है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉन्स्टेंट स्पीड से ही इधर से उधर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज जैसे तैसे मूव कर रहे हैं, लेकिन नेट फ्लो क्या इधर की तरफ है, वी से, ठीक है। तो हमारे पास वी है, तो कितना चार्ज यहाँ से वहाँ जाएगा वो हम निकालते हैं, ठीक है। उस चार्ज को मैं डेल्टा क्यू कह देता हूँ, डेल्टा क्यू। पहले हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो निकाल चुके हैं, डेल्टा क्यू निकाल लेते हैं। हाँ, तो डेल्टा क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो ई है, इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्लो, ठीक है। कितना पार्टिकल फ्लो होता है इन ए यूनिट टाइम, ये डेल्टा क्यू जो चार्ज है वो क्या है, चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। या पूरा निकाल ही सकते हैं, अगर आप लोग डेल्टा क्यू चार्ज निकालना चाहते हैं तो जो फ्लो है, एक मिनट मैं इसको अलग से निकालता हूँ, रुको। स्पीड को, ये स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन्स का, एक इलेक्ट्रॉन जो इस स्पीड से मूव करेगा तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एन इंटू वी कर देंगे, ठीक है, एन इंटू वी कर देंगे। तो हाँ, तो एन की वैल्यू कितनी है, एन इंटू ए इंटू एल, एन इंटू ए इंटू एल इंटू वी, ठीक है। ये क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो वी स्पीड से राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, वी स्पीड से राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है। तो आप वो निकाल सकते हो कि ये जो लेंथ है, आप चाहो तो पूरा वॉल्यूम करके भी निकाल सकते हैं कि इसमें जो टोटल वॉल्यूम है उसका कितना इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे पानी का फ्लो कैसे होता है, ठीक है, वो निकाल सकते हैं कि देखो मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझा देता हूँ। यहाँ इसके अंदर कोई फ्लूड फ्लो कर रहा है, इसके अंदर कोई फ्लूड बह रहा है, ठीक है। उस फ्लूड का स्पीड v है, फ्लूड v स्पीड से बह रहा है, ठीक है। तो t टाइम में कितना डिस्टेंस, मान लेते कि यहाँ पर एक हम इसमें एक पार्टिकल डाल, इस फ्लूड में एक पार्टिकल डाल दें जो फ्लूड के साथ बहता है, तो t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, मान लेते हैं कि वो इतना कवर करता है, ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, तो v इंटू t डिस्टेंस कवर करेगा। तो फ्लूड जो है वो v इंटू t डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो यूनिट टाइम में कितना कवर करेगा, यूनिट टाइम में वो v इंटू 1 डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। यानी कि इस l को क्या लिखा जा सकता है, l इज इक्वल टू v इंटू डेल्टा t। अगर हम टाइम को बहुत कम ले रहे हैं, डेल्टा t ले रहे हैं, l इक्वल टू क्या होगा, v इंटू डेल्टा t। डेल्टा t टाइम में जो इलेक्ट्रॉन्स
जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो कितना होगा, एल इंटू वी, जो कि हमने इतना लिया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को जाने में, जो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को जाने में समय लग रहा है वो डेल्टा टी है, तो ये लेंथ वी इंटू डेल्टा टी टाइम से कवर होगा। ठीक है, फ्लूड वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा टी टाइम में कितना वॉल्यूम क्रिएट होगा वो हम देख सकते हैं, कि डेल्टा टी टाइम में कितना वॉल्यूम क्रिएट होगा वो हम निकाल सकते हैं। वो वॉल्यूम हो जाएगा, मैं इसको फिर से लिख दूंगा, वो वॉल्यूम आ जाएगा, वो हो गया ए इंटू एल, वो हमने पहले ही लिख रखा है ए इंटू एल। तो एल को हटा कर क्या लिख सकते हैं, वी। समझ में आ रही बात, कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो इसमें मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस मूव कर जाएंगे, वी इंटू डेल्टा टी, वो ये लेंथ है, इतना लेंथ मान लेते हैं कि मूव करता है। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया। अब इस एल को रिप्लेस कर देते हैं बाय दिस टर्म, तो यह आ जाएगा एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी, तो ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, रैंडमली कहीं पे भी है। देर आर सर्टेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इन सर्टेन वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको पता है कि चार्ज डेंसिटी क्या है, एन है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हम एन कैसे निकाल रहे हैं, एन इंटू वॉल्यूम से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो हम लिख लेते हैं। सो एन कितना निकलेगा, कितना पार्टिकल इसमें इसमें भरा होगा वही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम इंटू चार्ज डेंसिटी, यानी कि एन इंटू वॉल्यूम, ये इसकी जरूरत नहीं है, एन इंटू वॉल्यूम, तो हम इसे वैल्यू पुट करते हैं ए इंटू वी इंटू डेल्टा टी। तो इतना अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चल करके यहाँ तक डिस्टेंस कवर करते हैं, तो इतना वॉल्यूम जो स्वीप हो रहा है, ठीक है, इतने वॉल्यूम में कितना पार्टिकल एक्चुअली होगा, तो नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम स्वीप्ड। ठीक है, यहाँ पर जो वॉल्यूम जितना कवर हो रहा है, ठीक है, उसे मल्टीप्लाई करके हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लिया। अब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, ठीक है, अगर इसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, तो पता चल जाएगा कि एक्चुअली कितना चार्ज फ्लो होगा। अगर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर चले गए, तो कितना चार्ज चला गया। ठीक है, उस चार्ज को हम अगर हम डेल्टा क्यू बोल रहे हैं, तो वो जगह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू एन, एन इंटू ई लिख देते हैं, एन इंटू ई। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गए हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, सो टोटल चार्ज कितना हो गया, वो एन इंटू ई हो गया, तो वो भी हम लिख सकते हैं। ये आ जाएगा एन की जो वैल्यू है वो हम ये वाला पुट कर रहे हैं, एन इंटू ए इंटू वी इंटू डेल्टा टी इंटू ई। ठीक है, थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं इसको। सो डेल्टा क्यू कितना आ गया, डेल्टा क्यू इक्वल टू एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इसको वी को वी डी भी लिखा जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना, जैसे एक एक कहीं मेला लगा हुआ है, ठीक है, उसमें बहुत भीड़ लगी हुई है, तो उसमें लोग जो हैं वो एक सड़क पे चले जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, जिसकी वजह से कुछ ट्रैफिक इधर उधर से आ रही है, कुछ इधर से जा रही है, इसकी वजह से एक्चुअली कोई फ्रीली चल नहीं पा रहा है। ठीक है, सब क्या है, भीड़ में धीरे 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 खिसक रहे हैं। ठीक है, मेले की तरफ जाने वाले लोगों की भीड़ होगी, मेले से बाहर निकलने वाले लोगों की भीड़ होगी। ठीक है, अब जो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जब बहुत रात हो जाएगी, ठीक है, तो आपको मालूम है कि मेले से बाहर निकलने वालों की भीड़ ज़्यादा होगी, अंदर घुसने वालों की कम होगी। ठीक है, और जब शाम के 6 बज रहे होंगे, तो उसमें अंदर जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होगी कंपेयर टू बाहर निकलने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, तो इसी तरीके के मोशन को हम ड्रिफ्ट कहते हैं, जब वेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ इधर जा रहे हैं कुछ उधर जा रहे हैं, किनकी संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें धीरे धीरे क्या होता है, वो भीड़ धीरे धीरे खिसकती है, चल नहीं पाती, उसको हम खिसकना कहते हैं। इसी को यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जा रहा है, कि इलेक्ट्रॉन इस स्मॉल वेलोसिटी से खिसकता है। ठीक है, सो डेल्टा क्यू हमने निकाल रखा है। अगर हम लोग
इसमें हमने वीडी निकाल रखा है, हम चाहें तो ये वीडी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, वीडी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले देखो ये डेल्टा क्यू है, ये है डेल्टा टी, इसको इधर डिवाइड कर दें तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ये क्या हो जाएगा, एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी, एन ई ए वी डी, ठीक है। और डेल्टा क्यू क्या है, चार्ज फ्लोन इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ये क्या होता है, ये आई होता है, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, ये आ गया करेंट आ गया एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी, ठीक है। तो यहां तक हम लोग ले आए हैं। अब आपको पता है कि इसी को जरूरत अब रह नहीं गई, हम वी डी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, वहां पे वी डी पुट कर सकते हैं। और आपको पता है कि जे इक्वल टू क्या होता था, करेंट डेंसिटी क्या होता है, आई अपॉन ए को कहा जाता है, ठीक है। इन मैग्नीट्यूड एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन तो ये है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे इंटू डी एस, जे डॉट डी एस, डी एस इज द एरिया, सो एक्चुअल डेफिनेशन ये है। लेकिन फॉर व्हेन वायर पतला होता है और स्ट्रेट कंडक्टर, उस केस में आप जे इक्वल टू आई बाई ए ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये वाला केस देख रहे थे। सो इस आई को इधर डिवाइड कर देंगे अगर, तो आई बाई ए बन जाएगा, आई बाई ए इज इक्वल टू एन ई वी डी, एंड आई बाई ए क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा, करेंट डेंसिटी, ठीक है, जे लिख देते हैं, ठीक है, एन इंटू ई इंटू वी डी का जो वैल्यू है वो रिप्लेस कर देते हैं, सो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम इंटू टाउ, सो जे अब वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, यह आ जाएगा माइनस एन ई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाय एम इनटू टाउ, मैं इस टाउ को उधर लिख देता हूं और ई को इधर लिख देता हूं, ठीक है। तो देखें जरा आपके बुक में क्या लाया गया है, इन्होंने क्या किया है कि ये जो साइन है उसको छोड़ दिया है, ठीक है। तो हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो आप साइन को छोड़ सकते हैं, बिकॉज जो डेफिनेशन दिया जा रहा है वो ये है, आई इज इक्वल टू जे का मॉड इनटू ए, सो जस्ट निगलेक्ट दिस माइनस साइन, ठीक है। हम लोग डिटेल में इसके में जा सकते हैं, चाहें तो बहुत सारी बातें इस पर डिस्कस हो सकती हैं कि नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, उसको पॉजिटिव लिया गया है, आप डायरेक्शन उल्टा ले रहे हैं, सो वो बता रहा है कि फ्लो जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज करिए नहीं है नेगेटिव है, तो करंट डेंसिटी जो है वो इधर की तरफ ले रहे हैं, जबकि चार्ज जो है वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उधर की तरफ है, ठीक है। तो ये सब सिग्निफाई कर रहा है वो माइनस साइन, हमें उसके मैग्नीट्यूड से लेना देना है, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं साइन को। अब आपको याद होगा कि जे इक्वल टू हमने पहले ही निकाल रखा है वो सिग्मा इंटू ई, बहुत इजली ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर से हमने निकाल लिया था, ठीक है, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, अगर आप इस इक्वेशन को और इसको कंपेयर करते हो तो आप क्या पाते हो कि ये जो टर्म है वो और कुछ नहीं वो सिग्मा ही तो है, जे सिग्मा इंटू ई के बराबर है, जे जो है वो इसके बराबर भी है। जब हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, कुछ हमने स्टैटिस्टिक्स लगा दिया, एक पार्टिकल पे कैलकुलेशन करके सब पे एवरेज कर दिया, तो ये फार्मूला आने लग गया, ठीक है। और ये फार्मूला कहाँ से लिख रहे हैं, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, V इक्वल टू आई आर से लिख रहे हैं ये, तो दोनों से ये पता चलता है कि फ्रॉम दीज टू, ये है थ्योरी और ये क्या है प्रैक्टिकल से आया, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से आया, V इज इक्वल टू आई आर से हम ये सोच रहे हैं, V इक्वल टू आई आर से यहाँ पे पहुंचे, और ये हमने क्या किया, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत सारी चीजें लगा करके हम यहाँ तक पहुंचे, ये हमारे एक थॉट से आया, सोचने के तरीके से आ रहा है, और ये कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंट से आ रहा है। इन दोनों को मिलाने से क्या मिलता है कि सिग्मा जो है वो
n e² τ/m होना चाहिए, ठीक है। और सिग्मा क्या था? कंडक्टिविटी, सिग्मा इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। फिर आपको यह भी याद होगा कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, 1/σ होता है। रेजिस्टिविटी सिग्मा का रेसिप्रोकल, जितना ज्यादा कंडक्टिंग होगा उतना कम रेजिस्टिव होगा, ठीक है। सो रेजिस्टिविटी रो कितना आ जाएगा, m अपॉन जस्ट इसका रेसिप्रोकल n e² × τ, ठीक है। अब इसको ये फाइनल हमारे पास जो फॉर्मूला है वो मिल गया है, n e² / m × τ जो है वो कंडक्टिविटी। आप इसको या इसमें से दोनों में से कोई एक याद कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि डायरेक्टली फार्मूला आपको याद होना चाहिए और तब थोड़ा दिक्कत हो जाता है स्टूडेंट के लिए। वो फिजिक्स जानता है, सब कुछ समझता है, लेकिन वो ये डिराइव करने में समय लगा देगा, ठीक है। तो उस समय उन लोगों के लिए आसानी हो जाती है जिनको फार्मूला पहले से याद है, ठीक है। तो ये एक कन्वीनियंस की बात है बस। तो रेजिस्टिविटी किन किन बातों पर डिपेंड करता है इसके बारे में, एम क्या है, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है। जो इलेक्ट्रो डायनेमिक्स पूरा सब्जेक्ट है उसमें जो चार्ज कैरियर है वो कुछ और, वो कोई न्यूट्रिनो या पॉजिट्रॉन ऐसा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। वहां पर तो हर जगह इलेक्ट्रॉन ही है, देर इज नो अदर पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल नहीं आ जाएगा इलेक्ट्रो डायनेमिक्स सब्जेक्ट में। जहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात चलेगी वहां पर इलेक्ट्रॉन ही आएगा। सो मास तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है। सो दिस इज ए कॉन्स्टेंट, जो कॉन्स्टेंट है उस पर टिक मार्क करते जाते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बदलने वाला नहीं है, फंडामेंटल पार्टिकल का जो चार्ज है वो चेंज नहीं हो सकता, तो ये भी कॉन्स्टेंट ही रहेगा। इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पर जो कि क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, और एन, एन जो है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और टाउ क्या चीज है, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजंस। तो ये हम देखते हैं कि ये दोनों जो चीजें हैं, ठीक है, ये कितना चार्ज फ्री अवेलेबल है उस मटेरियल में, और कितना मटेरियल का बॉन्ड लेंथ कितना है, दो एटम्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, उन बातों पे कहीं ना कहीं ये टाउ डिपेंड करता होगा, कितना डेंसली पैक्ड है, ठीक है। तो ये एन और टाउ जो है वो मटेरियल के कंडीशंस हैं जो इम्पोज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, एन एंड टाउ। और इन ये दोनों फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि रेजिस्टिविटी कितनी होगी। अगर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, फ्री चार्ज पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा ही अवेलेबल है, ये ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसे कि कॉपर में, ठीक है, आपको पता है Cu2+ आयन फॉर्म कर लेता है, तो कॉपर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कि आप करंट देते हो तो उसके अंदर Cu2+ बन जाता है कॉपर के वायर में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली इधर उधर मूव करते रहते हैं। सो जितना ज़्यादा एन होगा यानी कि नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल, उतना कम रेजिस्टिव होगा मटीरियल। अब कार्बन के देखें तो कार्बन जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, उसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनता, कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है स्ट्रांग होता है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रह पाता है, ठीक है। और फ्री तब होता है जब हम उसमें से अब हाई वोल्टेज देते हैं, जब हम ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तो उस केस में वो बॉन्ड जो होते हैं वो कुछ समय के लिए ब्रेक होते हैं, तो चार्ज पार्टिकल आपको मिलता है। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर, बिकॉज आपको पता है कि ग्रेफाइट जो होता है उसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होता, उसके अंदर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है, एक जो होता है कार्बन एटम, तीन कार्बन एटम से जुड़ा होता है, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो फ्री रहता है, तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है इसलिए ग्रेफाइट इज कंडक्टिंग बल्क। लेकिन डायमंड का जो टेट्राहेड्रल शेप है उसमें तो चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में बनाने में बिजी हैं, तो इस केस से ये जो एन है वो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है कि क्या होगा, ठीक है। ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, वैसे मटेरियल्स में देर इज नो फ्री चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, सो उस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो इंसुलेटर ही बन जाता है। जब एन इज जीरो देन रेजिस्टिविटी इज इनफिनाइट, कहने का ये मतलब है। और टाउ रिलैक्सेशन टाइम भी
मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो इन सब प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है कि मटेरियल का रेजिस्टेंस कहाँ से आ रहा है, कंडक्टिविटी, दिस इज द ऑरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ओम्स लॉ हमने पढ़ लिया, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ठीक है, और कंडक्टिविटी क्या होता है, ये होता है, आप चाहें तो इससे आप, मैं आपको कहूँगा कि आप कंडक्टिविटी का ही फार्मूला याद रखो, रेजिस्टिविटी का मत याद रखो। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा इंटू ई होता है और सिग्मा की ये वैल्यू होती है, जब भी आपको रेजिस्टिविटी की ज़रूरत हो तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लें। ठीक है, तो ये वजह है जिसकी वजह से, तो रेजिस्टिविटी का मेन कारण क्या है, इस पर आते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चल पाते हैं, कुछ ना कुछ देर में कहीं ना कहीं वो दूसरे एटम से या अदर इलेक्ट्रॉन से रिपल्सिव फोर्स पाके अपना डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, रैंडमली वो इधर उधर मोशन करते रहते हैं, एंड दिस मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ मटीरियल। ठीक है, फ्यूचर में शायद आप पढ़ो कि अगर हम किसी मटेरियल को ठंडा करना शुरू करते हैं, ठीक है, अगर आप नेगेटिव में मतलब -180 डिग्री केल्विन, मुझे एक्जेक्टली टेम्परेचर याद नहीं है लेकिन आप इसको चेक कर सकते हैं कि वो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ मटेरियल को अगर आप बहुत ही ठंडा कर दोगे नेगेटिव में मतलब 0 डिग्री केल्विन के आसपास मतलब ले जाना पड़ेगा आपको, तो बहुत ज़्यादा ठंडा करने पर क्या होता है कि मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, ये जो कॉलिजन्स हो रहा होता है वो कॉलिजन पर असर होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ता जाता है। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारा और भी कारण है, हम इसको इस तरीके से नहीं समझ सकते, आप उसको समझने के लिए क्वांटम थ्योरी लगाओगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बिलो टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर जो कंडक्टिविटी है वो बिल्कुल बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाता है, उसको हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। जब आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स पढ़ोगे चैप्टर, तो उस केस में वहाँ पर आपको ये सब पढ़ाया जाएगा, उतना भी वहाँ पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया? ठीक है, तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है आप ये कर सकते हो, इसमें जो डेटा दिया गया है वो उस क्वेश्चन के हिसाब से आप एग्जांपल 3.1 जो बुक में पेज नंबर 99 पे अवेलेबल है, इस पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन्होंने कैलकुलेट किया है। ठीक है, द डायरेक्शन, इसमें आप पूरा पढ़ सकते हो क्वेश्चन को, कॉपर का एग्जांपल दिया गया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रोवाइड कर दिया गया है और डेंसिटी ऑफ कॉपर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो जो भी डेटा है सारा दिया गया और आप उसको पुट करके वीडी निकालते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेशन करने पर आया है 1.1, ये कैलकुलेशन आपको करना चाहिए। ठीक है, आप ये आपका होमवर्क है, 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में 1.1 मिलीमीटर चलता है, तो एक मीटर चलने में कितना समय लग जाएगा? आपको पता है कि 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ठीक है, सो मैंने कहाँ लिखा, 1.1 मिलीमीटर एक सेकंड में चलता है, तो स्पीड कितना दिया गया है, v इज इक्वल टू vd जो है वो 1.1 मिलीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो टाइम निकालना चाहते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी या स्पीड, सो ये 1000 मिलीमीटर अपॉन 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, सो ये आ जाएगा 1000 अपॉन 1.1, सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट, सेकेंड आ जाएगा, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 60 मिनट्स, ये एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं और ये आ जाएगा 100 अपॉन 6.6। ठीक है, 100 अपॉन 6.6 कितना आ जाएगा, 1000 अपॉन 66 हो जाएगा, मैं एक बार डिवाइड करके देख लेता हूँ कितना आ रहा है,
सो ये है 1000/66। इसको 500/33 भी कर सकते हैं, 500/, ये वन टाइम में लगाएंगे तो आ जाएगा 33। ओके ये आ जाएगा 7 और ये हो गया 4 में से 3 गया 1। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ये अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट आ रहा है, 15 मिनट्स। ठीक है, 1 मीटर को तय करने में ये 15 मिनट लगाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं उस वायर के अंदर में, कॉपर के वायर में, जो कि कॉपर इज अ वेरी वेरी गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर, सो उसमें भी 15 मिनट लग रहा है 1 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। सो इस डिस्टेंस से का करेंट से कोई लेना देना नहीं है। करेंट क्या होता है, करेंट इज अ नेट फ्लो ऑफ चार्ज, नॉट द एक्चुअल वेलोसिटी विथ विच ए पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। ठीक है, सो मैंने आपको जो गार्डन वाला जो पानी वाला एग्जाम्पल दिया है वही एग्जाम्पल यहाँ पे लागू होता है, बिकॉज द मटेरियल इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर सरकता है तो उधर वाला एक इलेक्ट्रॉन बढ़ के उधर निकल जाता है। ठीक है, बिकॉज उसके होने की वजह से एक इनस्टेबिलिटी आ जाती है इस पूरे मटेरियल में। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के SHM की भी बात है, इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन भी होता है, सो बहुत कुछ हो सकता है। AC करंट में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करता, इलेक्ट्रॉन अपने पोजिशन से आगे पीछे करता रहता है अल्टरनेटिंग करंट में, तो जब AC पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आप ये क्वेश्चन आप देख सकते हो 3.1, अगर इसमें कोई डाउट होता है 3.1 और 3.2 में तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद कुछ डेफिनेशन वगैरह हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है।